जिसमें आप अपना ध्यान भक्त ध्रुव की ओर लेकर के चले कि जब मौसी सुरची से प्रताड़ित होकर के ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए चले गए हैं तो ध्रुव की वो तपस्या कैसी थी कायम, जरा ध्यान से सुनना बेटे। अरे भारी हो ध्रुव की ओ ये तप अब भारी, अरे भारी हो तप की ओ ध्रुव ने भारी, अरे भारी हो तप की ओ ध्रुव जी भारी। जिस समय मूसी की तोक की बोली लगी मुसीबत, अरे छुई के चरण चलो मैया के घटा छाई रही कारी है, सुरची के लागे बोल चल दयो अकलो तुमर हजारी है। मेरे बेटा रे माता कहे पुत्र को बन गई, अरे दोस्तों वो बिकट बीहर की झाड़ी ऊपर से बादलों की गर्जन है, 5 बरस के बेटा ध्रुव प्रभु को प्राप्त करने के लिए वन में अखंड समाधि लगाए हैं। अरे सुन बादल की गर्ज मात की एकदम धड़कत छाती है, बेटा की याद आती है तो मैया छाती पीट करके अयोध्या में रोती है। अरे कर कर शुद्ध की याद द्रगन से बरस रही औलादी है, अरे सुन बादल की गर्ज मात की एकदम धड़कत छाती, इधर मैया सुनीता अपने पुत्र ध्रुव के वियोग में व्याकुल है और भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु, अरे ब्रज पे बूंद पड़ी न तेरे परे नगाड़े ऊधे ही, जब देवराज इंद्र
इच्छा की थी। अरे ब्रज पे पड़ी न बूंद नगाड़े ऊंधे करके डरे ही और सोई दीना नाथ भक्त सुत मेरे के रखवारे ही मेरे स्वामी रे पूजू तुम्हें गले से खबर ले। अरे गबरी के अब तारी हो तब कियो ध्रुव ने भारी। अरे भारी हो तब कियो ध्रुव ने भारी। दोस्तों इधर ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, उधर करवा चौथ का भी व्रत आ गया है, तो मैया सुनीता पुत्र के वियोग में रो रही है और कह रही है अरे पर गई करवा चौथ नार सब अब